हेलो बन बेटा, आज हम बात करने वाले हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेयर जी इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पता ही है, वो लास्ट क्लास में बता चुके हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेशन, जिसकी अर्थ की सरफेस पे वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर जाऊं, कुछ हाइट अचीव करूं, कुछ एल्टीट्यूड लूं, या कुछ डेप्थ में जाऊं, क्या ये वैल्यू सेम रहेगी? हमें वैसे ही जाना है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेरिएशन ऑफ जी। वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट और एल्टीट्यूड। सपोज ये हमारी अर्थ है और ये उसका रेडियस आर। मैं मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे अर्थ सरफेस से ऊपर हूं, और जो हाइट है जो मैंने अचीव की है धरती से ऊपर, वो है मान लीजिए आपकी एच। यहां से लेके यहां तक की हाइट जो है वो एच है, और यहां से यहां तक का वैल्यू पता है आपको, ये है आर, रेडियस ऑफ अर्थ, विच इज 6400 किलोमीटर। चलिए, हमें पता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी, कैपिटल एम एंड आर स्क्वायर। ये हमने लास्ट क्लास में ड्राइव किया था, रिलेशन बिटवीन जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, वे स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी इज ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। फिर यहां पर हमने इसकी सब कॉन्स्टेंट की वैल्यूज रखी थी, फिर जी की वैल्यू फाइंड की थी 9.8। अब यहां जो जी होगा, लेट दिस जी इज नोन एज जी डैश। जी डैश मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी, विच इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम अपॉन मैन आर प्लस एच। ये जो एक्सेस हाइट है वो आपकी डिस्टेंस ऐड हो जाएगी। क्लियर? दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूं, दोनों को डिवाइड किया, जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी डैश अपॉन में जी, जी स्मॉल एम यानी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। रिवर्स होके बेटा ये हो जाएगा जी एम अपॉन में आर प्लस एच होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, ये रिवर्स होके ऊपर आ गया, आर स्क्वायर अपॉन में जी एम, जी एम से जी एम कैंसिल आउट हो गया। सो जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एक तो ये हमारा एक फॉर्मूला रेडी हो गया। इसको हम कैसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, देखिए हमको जी डैश फाइंड करना होगा। हम क्या करेंगे, हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, जो भी हमारा अर्थ का रेडियस तो गिवन होता है, जितनी भी हाइट हमने किसी ऑब्जेक्ट को भेजी है वो यहां पुट कर देंगे। ये गिवन होगा आपका, ये गिवन है और ये गिवन है, तो आप नया जी डैश फाइंड कर लेंगे। पर अर्थ का रेडियस इतना ज्यादा है बेटा, अगर मैं कुछ मान लीजिए, हम पता है अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा है, 6400 किलोमीटर है, मान लीजिए मैं 20 या 30 किलोमीटर अबाउ सरफेस जाऊं, ठीक है,
ट्रोपोस्फियर के आसपास रहूं, तो एक नया एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं इसी किसी को हेल्प से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन के टर्म में। एक कंडीशन लेते हैं कि व्हेन व्हेन एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, ठीक है, तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये हमने ड्राइव किया था। नीचे वाले एक्सप्रेशन से बेटा आर कॉमन निकाल लेते हैं, तुमने आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो बचा गया वन प्लस एच अपॉन में आर का होल स्क्वायर, इसको अगेन मल्टीप्लाई करूंगा अंदर तो ये बड़ा सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा जो इसके पास था। इससे आर स्क्वायर एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया बेटा आपका वन अपॉन में वन प्लस, या इसको मैं ऊपर रिवर्स कर लेता हूं, से बेस्ट रिवर्स कर लेता हूं, वन प्लस एच अपॉन में आर स्क्वायर माइनस टू, ये ऊपर जाके माइनस टू हो गया जी डैश अपॉन में जी, ठीक है। अब मैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, इसका मैं सिंपल एप्लीकेशन बता रहा हूं, इस पावर को हम इंसर्ट कर देंगे और हायर पावर नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। हायर पावर नेगलेक्ट क्यों कर देंगे, देखिए एच अपॉन में आर, जहां पर एच है 10 किलोमीटर, ये है आपका 6400 किलोमीटर, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू आएगी। उसका भी अगर मैं हायर पावर लूं 2 3 4 5 6 है ना, तो वो और छोटी हो जाएगी, क्योंकि मैं अगर किसी छोटी वैल्यू को और मल्टीप्लाई करता हूं करता रहता हूं और छोटा हो जाता है, इसलिए हायर पावर नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा बेटा वो आएगा जी डैश अपॉन जी वन, ये अंदर गया पावर, माइनस टू एच अपॉन में आर, जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच अपॉन में आर, ये आ गया आपके पास एक्सप्रेशन। क्लियर, अब देखिए मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि हमें पता है अर्थ की सरफेस पे 9.8 है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा ऊपर चलेगा, कितना ऊपर चलेगा, लाइक 20 किलोमीटर ऊपर चलेगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में 6400 वन माइनस, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 4 ऊपर 4 आया, 4 अपॉन 4, और ये आपका ऊपर है 4 अपॉन में 64 को लिख सकता हूं मैं, 64 मल्टीप्लाई बाय 10, और 64 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पर देखिए जो वैल्यूज आ रही है वो लेस देन 1 है, ठीक है। अब इसे को मेरे को माइनस करना है 1 से, ये वैल्यू छोटी है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको माइनस किया वैल्यू से, ये और पॉइंट वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आ गई, अगर मैं इसको एक्यूरेट करके बताऊं ठीक है, चलो और ऑपरेट कर लेते हैं, ये 4 इंटू 4 4 16 सर, तो 1 अपॉन 160, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 160 होता है आपका 6.25 × 10 की पावर -3, 1 माइनस, तो उसमें से मैं माइनस वन कर देता हूं, ठीक है,
है, कुछ भी अभी इतना सॉल्व करके फायदा नहीं है। अब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.02 आ गई लेट। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9.8 से, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू अगर मैं 9.8 लेट इसका इसको सॉल्व करने के बाद 10 और 1.02 आई, तो इसकी वैल्यू और आ जाएगी छोटी, और छोटी आएगी 0.03 0.06 के आसपास आएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैं 9.8 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं जमीन से ऊपर जाता हूं किसी हाइट पे, तो आपकी जो जी की वैल्यू है वो क्या होती है? कम होती है। तो ये पर रिजल्ट ध्यान रखिएगा ये कि एज वी गो अबाउट द सर्फेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। वो गिरती रहेगी गिरती रहेगी गिरती रहेगी, गिरते 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 इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगी, वो इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, लेट ये आपका अर्थ है, अर्थ से मैं डी पॉइंट यहां नीचे चले गया, अर्थ से मैं मतलब यहां पर आ गया, लेट यहां पर आ गया, ये अर्थ से मैं डी नीचे चले गया, और आपको पता है यहां से यहां तक का वैल्यू जो है वो है आर रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? ये हो गया बेटा आपका आर माइनस डी। ठीक है, इसको शेल की तरह मानिए, एक एक ऊपर था अब नीचे छोटा अर्थ हो गया, ये बड़ा अर्थ ये छोटा अर्थ, इस अर्थ के ऊपर आपकी बॉडी है, समझ रहे हैं? क्योंकि आप मान लीजिए धरती थोड़ा अंदर गए तो आपको एक एक और सरफेस मिलेगी ना, तो इस तरह का कुछ हमारा सीन है। तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये है आपका मास ऑफ अर्थ, यहां पर बॉडी रखी थी तुमने पूरे अर्थ का मास इंक्लूड किया था, अगर मेरी बॉडी यहां हो अब इतने पार्ट का मास इंक्लूड करूंगा सिर्फ मैं। ठीक है, और इतना रेडियस इंक्लूड करूंगा मैं, क्लियर? तो भैया इतने पार्ट का मास क्या होता है? व्हाट इज मास? अर्थ एक स्फीयर है, तो मास क्या होता है स्फीयर का? आपको पता है मास इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा अर्थ का? अर्थ अगर स्फीयर है तो 4/3 π आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो। रो मीन्स रो है आपका अर्थ का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अर्थ आपका रो है। ठीक है, और अगर मैं इसकी एवरेज डेंसिटी बताऊंगी, गिवन होता है क्वांटिटी बेटा आपको एग्जाम में, तो एवरेज की अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है वो है बेटा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10^-3 सॉरी 10^3 किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब। ये अर्थ की एवरेज डेंसिटी। चलिए ये था अर्थ का टोटल मास, तो ये एक्सप्रेशन बन गया आपका जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी 4/3 π आर क्यूब रो अपॉन में आर स्क्वायर। सिमिलरली जी डैश क्या होगा आपका? जी डैश होगा बेटा जी एम डैश नया मास, इस पॉइंट के लिए इस मास में इंक्लूड करूंगा मैं, अपॉन में ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जी डैश क्या आ जाएगा? जी डैश आ जाएगा बेटा जी कैपिटल एम 4/3 π आर क्यूब, कौन सा आर? इतने पार्ट का आर,
इतने पार्ट का आर, आर माइनस डी पाई आर क्यू इंटू रो। अर्थ को यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला सरफेस मानते हैं, अज्यूम करते हैं, अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। क्लियर? इस वैल्यू से ये वैल्यू कट गया, बचा सिर्फ यहां वन। इस वैल्यू से ये वैल्यू बच के बढ़कर बच गया सिर्फ आर। तो जी डैश अपॉन जी कर लेते हैं हम, जी डैश अपॉन जी करते हैं, या डिवाइडिंग क्वेश्चन नंबर टू विद क्वेश्चन नंबर वन। यह आ जाएगा बेटा आपका जी डैश जी 4/3 पाए आर माइनस डी का रो अपॉन जी डैश, और जी आ गया 4π/3 पाई आर रो, तो रो से रो कैंसिल आउट हुआ, जी से जी, दिस 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 दिस, तो वैल्यू आ गया आर माइनस डी अपॉन आर इज इक्वल टू जी डैश अपॉन में जी। तो सो जी डैश इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाई बाय आर माइनस डी अपॉन में आर। ये एक एक्सप्रेशन हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है, अगर मैं बोलूं सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका वैल्यू, ठीक है, एक बार एक एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप धरती से कुछ 100 मीटर अंदर चले गए, 100 मीटर अंदर चले गए, और ये आपका 6400 माइनस लेट 1 किलोमीटर चले गए, वन अपॉन में 64। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। जी इज इक्वल, जी डैश इज इक्वल टू जी कॉमन निकाल लेता हूं, वन माइनस डी अपॉन में आर। देखिए ये वैल्यू बहुत छोटी है, डी इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो इसका मतलब जो इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी अगेन बहुत छोटी आएगी, पॉइंट में आएगी। उस पॉइंट की वैल्यू को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा जी से, तो जी की वैल्यू और कम हो जाएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू जो पॉइंट में आएगी सॉल्व करके उसको सॉल्व करूंगा, 9.8 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बहुत छोटा हो जाएगा। इसका मतलब आपका धरती के अंदर जाने में भी आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। कितनी होती रहती है? मान लीजिए जाते 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 हम धरती सेंटर में पहुंच गए, हम जहां से स्टार्ट किए और यहां पहुंच गए धरती के सेंटर में, मतलब आपका आर और डी बराबर हो गया। एक्सप्रेशन पुट कर दो यहां पर इसमें, तो वन माइनस आर अपॉन में आर, तो ये हो गया वन, वन माइनस वन जीरो, तो जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? जीरो। सेंटर ऑफ अर्थ में भी आपका क्या होता है वैल्यू? सेंटर ऑफ अर्थ में आपकी जो नया एक्सेलेरेशन होगा वो भी क्या होगा? जीरो। इसका मतलब ये भी एक्सप्रेशन सेम ही है, एज वी गो डाउन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, धीरे 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 गिरती रहेगी अर्थ के सर्फेस पे कम। देखिए आपको पता होगा एक बात कि भैया अगर मैं कि ये मान लीजिए मून है, ये यहां मून है, तो 9.8 यहां पर है, करते 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 मून के पास जाने जाते 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 हमारी जी की वैल्यू 6 हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं धरती के अंदर जाता 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 हूं तब भी आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जीरो, इनफाइनाइट पोजिशन पे जीरो। कोई पूछे तो कि जी की वैल्यू कहां जीरो मिलती है? जी की वैल्यू में दो पॉइंट पे जीरो मिलेगी, सेंटर ऑफ अर्थ पे और इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। चलिए एग्जाम में इस पे पर्टिकुलर जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसको परसेंटेज डिक्रीज बोलते हैं। परसेंटेज डिक्रीज निकालिए कि आपकी कितनी परसेंट वैल्यू कम हुई है, मान ली 10%, 20%, 50% पहली वाली वैल्यू से कंपेरेटिवली, तो आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। जी डैश अपॉन जी अपॉन में जी मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिएगा, दिस इज परसेंटेज डिक्रीज, ये है परसेंटेज डिक्रीज। क्लियर?